हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप? ये देखिए, मैं आपके लिए लेके आई हूँ आज गावरन चिकन करी की रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार लगती है ये रेसिपी। इसमें मैंने थोड़े से चेंजेस किए हैं और आपको मैंने ये रेसिपी में मसाले भी बनाना सिखाया है। इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिए। और किस तरह से गावरन चिकन करी में मैंने चेंजेस किया है और मसालों को जानने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। मैंने यहाँ पर लिया है अराउंड 700 ग्राम चिकन लिया है, विद बोन्स लिया है मैंने यहाँ पर। यहाँ पर वन ऑनियन लिया है मीडियम साइज़, इसे मैंने इस तरह से फाइन चॉप कर लिया है। यहाँ पर हाफ टी स्पून मैंने हल्दी पाउडर लिया है, 1 टीस्पून नमक लिया है। सबसे पहले हम चिकन को भून लेंगे, इसके बाद मैं आपको इसमें लगने वाले मसाले बताऊँगी। चिकन को भूनने के लिए मैंने यहाँ पर अराउंड 1/4 कप ऑयल लिया है। उसमें हम सबसे पहले ऑनियन डाल देंगे, जो हमने चॉप करके रखे थे, 1 मीडियम साइज़ ऑनियन वो डाल देना है। ऑनियन को हमें गोल्डन ब्राउन होने तक पकाना है, कंटिन्यूसली स्टर करते हुए। ये देखिए, ऑनियन हमारा अच्छी तरह से ब्राउन हो गया है। अब इसमें हमने चिकन के पीसेस डाल दिए हैं। सारे चिकन के पीसेस डाल देने हैं हमें इसमें। उसके बाद जो हमने नमक लिया था वो डाल देना है और हल्दी पाउडर डाल देना है इसमें, और इसे अच्छी तरह से स्टर करके मिक्स कर लेना है। ये देखिए, मैंने अच्छी तरह से हल्दी नमक को चिकन के साथ मिक्स कर दिया है। अब हम इसे कवर करेंगे और कवर करके इसे मीडियम फ्लेम पे पकने देंगे। हर 5-10 मिनट के बाद इसे स्टर करते रहना है और हमें इसे जब तक पकाना है जब तक इसका पूरा पानी चिकन का सूख ना जाए अच्छी तरह से। ये देखिए, चिकन हमारा अच्छी तरह से भून चुका है, तेल छोड़ दिया है। अब हमें गैस के फ्लेम को बंद कर देना है और चिकन को हमें कवर करके साइड में रख देना है। अब हम मसाले की तैयारी करेंगे। अब हमें गावरन चिकन करी का मसाला बना लेना है। उसके लिए हमने लिया है यहाँ पर 1/2 कोकोनट, ये ड्राई कोकोनट है। इसे पहले मैंने 10 से 15 मिनट भिगा लिया था, तो इसकी वजह से देखिए ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया है। और फिर इसे नाइफ से इस तरह से लंबा लंबा पतला काट लिया है। इन सारे मसालों को हम फ्राई करेंगे, इसलिए मैंने इसे अलग रखा है, और ये ड्राई रोस्ट करने वाले मसालों को मैंने अलग रखा है। तो यहाँ पर मैंने लिया है 1/2 कोकोनट, इसे हमें इस तरह से स्लाइस काट लेना है। और यहाँ पर मैंने अराउंड 1 कप रेड चिली लिया है, तीखी वाली है ये। यहाँ पर अराउंड 1/4 कप मैंने अदरक लिया है, इसे इस तरह से मोटे टुकड़ों में चॉप कर लिया है। 1 बड़ा ऑनियन लिया है, इसे इस तरह से स्लाइस में चॉप कर लिया है। 2 बड़े लहसुन लिए हैं, इसकी सारी कलियों को मैंने इस तरह से छील लिया है। यहाँ पर ड्राई रोस्ट करने वाले मसालों में मैंने लिया है अराउंड 2 टीस्पून ज़ीरा लिया है, 2 टीस्पून मैंने यहाँ पर काली मिर्च लिया है, थोड़े से लौंग लिए हैं यहाँ पर अराउंड 1/2 टीस्पून, यहाँ पर थोड़ा सा जायफल लिया है, 2 बड़ी काली इलायची लिया है, 1 जायपत्रा लिया है, 2 स्टार अनस लिया है, अराउंड 10-12 हरी इलायची ली है, थोड़े से मैंने दालचीनी के टुकड़े लिए हैं, 4-5 दालचीनी के टुकड़े होंगे ये आप देख सकते हैं। ये देखिए, मैंने यहाँ पर सबसे पहले ड्राई रोस्ट करने वाले मसालों को डाला है, पर उसमें से मैंने यहाँ पर ज़ीरा, काली मिर्च और लौंग को बचा लिया है, बिकॉज ज़ीरा, काली मिर्च और लौंग को रोस्ट करने में काफ़ी कम समय लगता है। पहले हम इन खड़े मसालों को रोस्ट कर लेंगे जिसे ज़्यादा समय लगता है रोस्ट करने को। फ्लेम को मैंने मीडियम रखा है, मीडियम फ्लेम पे हमें कंटिन्यूसली स्टर करते हुए इसे रोस्ट करना है। इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए और थोड़ी सी खुशबू की स्मेल आने लगे, बस उतना ही हमें रोस्ट करना है इसे। ये देखिए, मसाले भुन चुके हैं, इसे मैंने साइड में एक प्लेट में निकाल के रख दिया। अब इसमें मैंने बाकी के जो ड्राई रोस्ट वाले मसाले थे, जैसे ज़ीरा, काली मिर्च और लौंग, वो डाल दिया है। इसे भी हमें कंटिन्यूसली स्टर करते हुए ड्राई रोस्ट करना है। ये देखिए, हमारा ज़ीरा, काली मिर्च और लौंग भी भुन चुका था और मैंने इसे एक प्लेट में निकाल के रख दिया है। मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई में अराउंड 1 कप ऑयल लिया है। अब इसमें हमें जो चॉप्ड ऑनियन हमने तल के कट करके रखे थे उसे फ्राई कर लेना है। ऑनियन को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है हमें। इसे भी हमें कंटिन्यूसली स्टर करते हुए पकाना है। मैंने ऑनियन्स को फ्राई करके इसे निकाल लिया है। अब जो सेम ऑयल बचा हुआ है उसमें हम लहसुन डालेंगे।
सारा जो लहसुन हमने छिलके रखा था वो डाल देंगे और इसे भी गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे कंटिन्यूसली स्टर करते हुए। ये देखिए लहसुन भी हमारा अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन फ्राई हो गया था और मैंने इसे साइड में एक प्लेट में निकाल के रख दिया है। हम सेम ऑयल में हमने कोकोनट चॉप करके रखा था उसे डाल देंगे। कोकोनट चॉप किया हुआ जब हम डालेंगे तो गैस के फ्लेम को थोड़ा कम कर देना है बिकॉज कोकोनट बहुत जल्दी पक जाता है। इसे भी कंटिन्यूसली स्टर करते हुए पकाना है। ये देखिए कोकोनट भी हमारा अच्छी तरह से ब्राउन हो गया है और इसे मैंने एक प्लेट में निकाल के रख दिया है साइड में। अब ये जो बचा हुआ ऑयल है उसमें हमें अदरक के पीसेस डाल देने हैं। इसे ज़्यादा नहीं फ्राई करना है हमें, बस थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो जाए उसके बाद हमें इसे निकाल लेना है। अब ये जो बचा हुआ ऑयल है उसे हमें पहले गैस को बंद कर देना है और जो हमने रेड चिलीज ली थी उसे इसमें डाल देना है ताकि ये थोड़ी सी क्रिस्पी कड़क हो जाए तो हमें पीसने में आसानी होगी और इसका फ्लेवर भी काफ़ी अच्छा हो जाएगा तेल में डालने से। बस तेल में डाल के हमें इसे स्टर कर देना है, गैस बिल्कुल बंद रहना है, 2-3 मिनट ऑयल में ही छोड़ देना है ताकि ये थोड़ा सा क्रिस्पी हो जाए। मसालों में हम और एक चीज़ ऐड कर सकते हैं वो है सूखा धनिया। ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो ऐड करें नहीं या तो ना ऐड करें। मैंने यहाँ पे 2-3 टेबलस्पून सूखा धनिया लिया है, इसे हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। ये देखिए मैंने अखा धनिया को भी अच्छी तरह से ड्राई रोस्ट करके इसे एक प्लेट में निकाल लिया है। अब मसालों को पीसते समय मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी जिससे आपके मसाले बहुत अच्छी तरह से फाइन ग्राइंड होंगे। पहले जो इस प्लेट में जो ड्राई रोस्ट किए हुए मसाले हैं सबसे पहले हमें उन्हें पीस लेना है, उसके बाद हम थोड़ा पानी डालेंगे और ये जो सारे जो हमने फ्राई किए हुए मसाले थे वो ऐड करेंगे और फिर उसे फाइन ग्राइंड करेंगे। ये जो सारा मसाला आपको इस बाउल में दिख रहा है ये पूरा एक चिकन ग्रेवी का मसाला नहीं है, ये अराउंड 5 या 7 चिकन ग्रेवी बन जाएगी इतने मसालों में। अब ये जो बचा हुआ ऑयल था जो कढ़ाई में वो इसमें हमें डाल देना है और इसे हम मिक्स कर लेंगे। ये देखिए अब मैंने जो सारा चिकन हमने जो रोस्ट किया था वो एक बड़े बाउल में निकाल लिया है और इस हांडी को मैंने थोड़ा सा क्लीन किया है, थोड़ा सा सिर्फ थोड़ा सा पानी डाल के इसमें जो लगाई हुई चिकनाई थी जो हल्दी नमक और ऑनियन लगा हुआ था उसे मैंने निकाल लिया है और निकाल के ये देखिए आप देख सकते हैं इसमें पानी जैसा दिख रहा है, इस चिकन के साथ में डाल दिया है मैंने इसे। यहाँ पर मैंने फिर से एक बड़ा ऑनियन चॉप करके ले लिया है। हांडी में मैंने अराउंड 1/2 कप ऑयल को गर्म कर लिया है और इसमें हम ऑनियन डालेंगे जो हमने चॉप किया है अभी वो। अब हमें ऑनियंस को कंटिन्यूसली स्टर करते हुए पकाना है, इसे ब्राउन होने तक पकाना है हमें। देखिए ऑनियन हमारा ब्राउन हो चुका है, अब इसमें मैंने अराउंड 1/2 कप मसाला डाल दिया है और इसे स्टर कर लेना है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून नमक और अराउंड 1/2 टीस्पून मैं इसमें हल्दी पाउडर डाल रही हूँ। मसाले को हमें कवर करके कुक करना है मीडियम टू लो फ्लेम पे, बीच बीच में स्टर करते हुए, जब तक इसका ऑयल ना छोड़ दे तब तक हमें इसे कुक करते रहना है। ये देखिए अराउंड 10 मिनट लो फ्लेम पे भूनने के बाद ये कितनी अच्छी तरह से मसाला हमारा भून गया है और ऑयल भी छोड़ दिया था। अब हमें ये जो चिकन हमने भून के रखा था उसे डाल देना है। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और इसे फिर से मीडियम टू लो फ्लेम पे हमें कवर करना है और कवर करके इसे पकाना है मीडियम टू लो फ्लेम पे, जब तक ये फिर से ऑयल ना छोड़ दे, तरह से तेल छोड़ दिया है। और अभी से ये कितना टेम्पटिंग लग रहा है आप देख ही सकते हैं, मसाला अच्छी तरह से भुन चुका है चिकन के साथ भी। अब हमने इसमें लिया है 2 ग्लास पानी, अराउंड 500 ml पानी है ये। जिस बाउल में हमने चिकन को निकाला था उसमें थोड़ा सा ऑयल लगा रह जाता है इसलिए हमने उसी सेम बाउल में पानी को ले लिया था ताकि वो सारा ऑयल पानी में आ जाए और ग्रेवी में मिल जाए। आप चाहे तो इसकी कंसिस्टेंसी को और पतला कर सकते हैं या और गाढ़ा रख सकते हैं, पानी आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेना। जिस तरह की ग्रेवी आपको पसंद है, पतली पसंद है तो ज़्यादा पानी डालिए, अगर आपको गाढ़ी ग्रेवी पसंद है तो ज़रा कम पानी डालिए। अब मैं इसे कवर करूँगी और कवर करके इसे बॉईल आने दूंगी इसे
गाढ़ा होने तक, और इसका फ्लेवर ताकि चिकन का पूरी ग्रेवी में भी आ जाए। 5 मिनट हो चुके हैं हमारी ग्रेवी को उबलते हुए हाई फ्लेम पे, तो चलिए एक बार इसे चेक कर लेते हैं। ये देखिए ग्रेवी कितनी अच्छी तरह से उबल रही है, आप देख ही सकते हैं। अब हम इसे गैस के फ्लेम को बंद कर देते हैं और ये देखिए कितनी अच्छी कंसिस्टेंसी है इसकी। थोड़ा सा पतला ही ग्रेवी रहता है ये, अगर आप चाहे तो कंसिस्टेंसी को गाढ़ा कर सकते हैं इसकी। ये देखिए कितना डिलीशियस और टेम्पटिंग लग रहा है, मैं आपको इसे डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखिए हमारी गावरन चिकन करी रेडी हो गई है, मैंने इसे प्लेट कर दिया है। ये देखिए कितना डिलीशियस लग रहा है, कितना बढ़िया सा रेड सा कलर आया है ग्रेवी का, और काफ़ी स्पाइसी लग रहा है। आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। इसमें आपने नोटिस किया होगा दैट मैंने इसमें टोमेटो नहीं डाला था मसालों के साथ। बहुत से लोग गावरन चिकन करी में टोमेटो भी डालते हैं, बट मैं जब ये रेडी हो जाता है सर्व करते समय इसके अंदर नींबू का जूस डालती हूँ, जिससे ये और भी ज़्यादा डिलीशियस लगता है। आप इस तरह से गावरन चिकन ग्रेवी ट्राई कीजिए बनाने को, और उसमें सर्व करते समय लेमन जूस डालिए और टोमेटोज़ को स्किप कर दीजिए, और देखिए कितना ज़्यादा मज़ेदार लगता है ये। और अगर आपको मेरी ये गावरन चिकन करी की रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए।